अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारा ये चैप्टर नंबर 8 है, जो कि बुक में 8 है, बट आप लोग कॉपी में अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर आप लोग कर चुके होंगे आई होप। ये हमारा 3rd चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सूरज एक नेमत। सूरज अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। सूरज से हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर ये नेमत हमारे पास आज ना होती तो इंसान बहुत सारी मुश्किलों में मुब्तला भी हो सकता था। सूरज अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। इससे हमें रोशनी और हरारत मिलती है। हरारत गर्मी को कहते हैं। रोशनी और हरारत हर जानदार के लिए ज़रूरी है, चाहे वो इंसानों में जानदार हो, चाहे वो जानवरों में हो, या चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। सूरज और सूरज की रोशनी हर जानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। हरारत के 2 ज़रिए हैं। एक ज़रिया सूरज है। सूरज की हरारत से हम जिंदा हैं, मतलब सूरज जो हमें धूप दे रहा है, जो रोशनी दे रहा है, जो तवानाई दे रहा है, उससे हम जिंदा हैं। इसकी हरारत से फूल खिलते हैं। उसकी गर्मी, सूरज की जो गर्मी होती है, उसकी गर्मी से फूल खिलते हैं, फल और फसलें पकती हैं, सब्जियाँ पैदा होती हैं। ज़मीन और सूरज की हरकत से मौसम बदलते हैं। सूरज जो चीज़ें हमें दे रहा है उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल हैं, जैसे कि सबसे बड़ा फ़ायदा, हमें उससे धूप मिल रही है, हम उसकी धूप से ज़िंदा हैं। ठीक है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है? धूप की पड़ती है। अगर ये धूप ही हमें ना मिले तो क्या हम इस धूप के बगैर रह सकते हैं? नहीं, हम इस धूप के बगैर नहीं रह सकते। इस धूप से फल खिल रहे हैं, फसलें पकती हैं, सब्जियाँ उग रही हैं। ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? सूरज की बदौलत। हरारत का दूसरा ज़रिया आग है। आग से हम अपने खाने पकाते हैं। जो सूरज की रोशनी होती है, जो वो हमें दे रहा है, वो इतनी तेज़ भी होती है कि हम उससे खाना भी पका सकते हैं। सर्दियों में हम आग ताप कर अपना जिस्म गर्म करते हैं। जब सर्दियां होती हैं तो हम गर्म करके उसको, आग को ताप कर, मतलब आग जला कर उससे अपना जिस्म गर्म करते हैं ताकि हमें सर्दी ना लगे। सूरज मशरक से निकलता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। जब सूरज मशरक की तरफ से निकलता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता है, धूप तेज़ हो जाती है। मतलब जैसे जैसे सूरज जो है वो ऊपर जाता है, धूप क्या हो जाती है? तेज़ हो जाती है। सूरज सर पर आ जाता है तो दोपहर हो जाती है, और जब सूरज सवरनिज़े, मतलब जब बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो धूप और बढ़ जाती है और दोपहर हो जाती है। जैसे जैसे सूरज मग़रिब की तरफ ढलने लगता है, साए लंबे होने लगते हैं और गर्मी में कमी होने लगती है। मतलब जैसे जैसे सूरज जो है वो शाम की तरफ जाता है, शाम होना शुरू होती है, मग़रिब की तरफ ढलने लगता है। सूरज कहाँ ढलता है? मशरिक से निकलता है और मग़रिब पर ढलता है। जब वो मग़रिब की तरफ ढलने लगता है तो साए लंबे हो जाते हैं, मतलब धूप चली जाती है, साए आ जाते हैं, गर्मी में कमी होने लगती है, ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, धूप आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सूरज के मग़रिब में ग़ुरूब होने से रात हो जाती है। सूरज के मग़रिब में ग़ुरूब होने से क्या हो जाता है? रात हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छाने लगता है। रात को चाँद और तारे भी रोशनी देते हैं। जब सूरज जो है वो मग़रिब से ग़ुरूब होने, जब सूरज मग़रिब में ग़ुरूब होने से रात हो जाती है, मतलब जब सूरज जो है वो मग़रिब में ग़ुरूब होता है, जब वो ग़ुरूब बिल्कुल ग़ुरूब हो जाता है तो क्या हो जाती है? अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, चांद और तारे हमें रोशनी देने लगते हैं। इंसान ने ख़ुद रोशनी देने वाली चीज़ें बनाई हैं। इनमें दिया, मोमबत्ती, लैंप और बिजली के बल्ब शामिल हैं। इंसानों ने कुछ ख़ुद भी रोशनी वाली चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं, जैसे कि दिया, मोमबत्ती। मोमबत्ती हम सब इस्तेमाल करते हैं जब घरों में लाइट जाती है। पहले ज़माने के लोग थे वो दिया भी जलाया करते थे। लैम्प भी हुआ करता था, मतलब गैस लाइट लोगों के घरों में पहले ज़माने में वो भी जला करती थी, अब भी जलती है। बिजली के बल्ब शामिल हैं। ये सब क्या है? ये सब इंसानों ने खुद इजाद किया है, खुद बनाया है। सूरज हमें बहुत सारे फ़ायदे देता है, जिसमें से जो चैप्टर में फ़ायदे बताए हुए थे वो यही फ़ायदे थे। सूरज अगर ना हो, अगर सूरज की नेमत, सूरज जैसी बड़ी दौलत, सूरज जैसी बड़ी नेमत हमारे पास नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ों मुश्किल हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में मुशक्क़त करनी पड़ती, धूप नहीं होती,
सूरज का कुछ पता नहीं होता, सूरज मशरक से निकल रहा है, मग़रिब पे जा रहा है, गुरूब हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब सूरज ही तो कर रहा है, सब चीज़ें सूरज से चलती हुई आ रही हैं। इसलिए कहा हुआ है सूरज अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। इस चैप्टर में आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, स्कूल आके भी पूछ सकते हैं। इसकी जो पिक्चर्स हैं, जो इसका काम है, वो उसी तरह से आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भी मिलेगा जिस तरह से आप लोग को मिलता हुआ रहा है। अगर आप लोगों को कभी चैप्टर में कुछ समझ में ना आ रहा हो या लिखने में कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग उसका स्पेस छोड़ दीजिएगा, जब आप लोग आएंगे तो मैं आप लोग को गाइड कर दूँगी। ठीक है क्लास वन, थैंक यू।